गुड इवनिंग स्टूडेंट, गुड इवनिंग आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों का एडी परिवार के साथ। आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो चलिए हम लोग जनरल अवेयरनेस की क्लास आप लोगों की जो दीपावली के समय पर विद्यार्थियों हमने इवनिंग सॉरी मॉर्निंग में 9 बजे आपकी रखी हुई थी, अब ये क्लास आप लोगों की रेगुलर 5 बजे होती है शाम को। तो सभी लोग सबसे पहले तो अपने दोस्तों के साथ क्लास को शेयर कीजिएगा जिससे कि ज्यादा से ज्यादा बच्चा इस क्लास में जुड़े, ठीक है ना। चलिए हम भी कर लेते हैं शेयर, आप भी कर लीजिएगा। चलिए बच्चा, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग क्लास को प्रारंभ करेंगे। देखिएगा आप लोगों के लिए स्पेशल क्लास ही आपका डेली विद्यार्थी किसका सामान्य अध्ययन इसमें हमारा, जिसमें करंट बेस्ड सवाल रहेंगे आपका और जनरल अवेयरनेस में किस तरह का सवाल पूछा जाता है। गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग दीपा रमन राजपूत, गुड इवनिंग शिखा अंजलि इंद्रशैन सिंह, गुड इवनिंग। तो चलिए आज के लिए पहला सवाल आप लोगों के सामने जो दिया गया वो किससे दिया गया विद्यार्थियों, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, यानी कि फिक्की, फिक्की विद्यार्थी, ठीक है ना। फिक्की की बात करेंगे, फिक्की तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी, ठीक है। फिक्की का मुख्यालय कहां पर, ऐसा सवाल आपसे पूछा जाता है, और वर्तमान समय पर फिक्की के अध्यक्ष कौन है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, वर्तमान समय। देखिए इससे पहले थे आपके उदय शंकर, अब उदय शंकर के स्थान पर फिक्की के जो अध्यक्ष बने वो कौन बने हैं, तो ये बने आपके कौन, संजीव मेहता। क्या सही है, संजीव मेहता वर्तमान समय पर, ऑप्शन डी संजीव मेहता। देखिएगा सब जानते हैं, ठीक है ना। कौन नहीं जानता है, जिन बच्चों ने कई समय से क्लास की तरफ ध्यान नहीं दिया वही नहीं जानते, बाकी तो सब लोग जानते हैं, है ना। आज सुबह वाली क्लास अभी इसलिए नहीं हो रही कि सब लोग वापस आ चुके हैं, तो सुबह के समय पर स्पेस नहीं है, तो हमें जहां स्पेस मिलता हम क्लास वहां पर अपनी रख देते हैं बच्चा, ठीक है। पुनीत बच्चा उस क्लास में उस समय पर कोई भी स्पेस खाली नहीं है, तो उस समय पर देखिए दीपावली में मिला था इस वजह से हमने क्लास ले ली, अभी नहीं है तो इस वजह से हम इवनिंग में 5 बजे आपकी क्लास ले रहे हैं बच्चा, ठीक है। चलेगा, एजरा कप के बारे में हम लोग जान चुके हैं आपका, एजरा कप होगा, ठीक है। ये किस खेल से संबंधित है, किस खेल में कितने प्लेयर होते हैं, ठीक। तो देखिएगा एजरा कप की यहां बात की जा रही है कि एजरा कप किस खेल से संबंधित है, तो ये हमारा पोलो से संबंधित है, और पोलो खेल में कितने प्लेयर होते हैं आपके, 4 प्लेयर होते हैं। कितने प्लेयर होते हैं विद्यार्थियों, हाँ ठीक है ना। चलेगा एजरा देखेगा पोलो से। अगला सवाल यहां पूछा गया, आगरा का ताजमहल देखे किसने बनाया, ये भी जानते हैं हम लोग। आगरा शहर किसने बसाया विद्यार्थियों, तो ये सिकंदर लोदी के द्वारा बसाया गया था 1504 ईस्वी में, लेकिन आपसे पूछा जा रहा है ताजमहल के बारे में, ठीक है। तो ताजमहल को किससे, एसिड रेन से, क्या है दिक्कत है विद्यार्थियों, ठीक है ना। अब एसिड रेन से क्या होगा, एसिड रेन यानी कि आपकी अम्ल वर्षा, ठीक। तो उसमें क्या आएगा, सल्फर डाइऑक्साइड भी आएगा, उसमें नाइट्रस ऑक्साइड भी ऑक्साइड भी आएगा, ठीक है। तो शाहजहां, ऑप्शन ए देखिएगा, शाहजहां ने बनाया था, बहुत बढ़िया ताजमहल को। चलेगा नेक्स्ट देखिएगा, यहां डीआरडीओ से जुड़ा हुआ एक सवाल हमारे पास, राजनाथ सिंह ने किस शहर में डीआरडीओ रक्षा प्रौद्योगिकी और परीक्षण केंद्र और ब्रह्मोस विनिर्माण केंद्र की आधारशिला रखी है, डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डीआरडीओ की बात की जा रही है, जो 1958 में आपका एस्टैब्लिश हुआ था, और वर्तमान समय पर डीआरडीओ के हेड किसे चुना गया है, है ना। वर्तमान समय पर डीआरडीओ के प्रमुख के रूप में किस व्यक्ति को चुना गया है, सर मुमताज की यादों में बनाया गया था, ठीक है भाई, आज की मुमताज कौन। चलेगा कुछ नाम आज काफी समय के बाद हम क्लास में देख रहे हैं, चले तो बहुत अच्छी बात है अगर आप क्लास में लौटे हैं। चलेगा तो आपका एक बार फिर से स्वागत है सभी लोगों का। लखनऊ,
लखनऊ में रखी गई। देखिएगा भारतीय रक्षा मंत्री फाउंडेशन स्टोन ऑफ द डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर एंड ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर DRDO कहां पर? लखनऊ के अंदर। लखनऊ देखिएगा सर, समीर वी कामंत वर्तमान समय पर DRDO के हेड बने हैं, बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है ना, नेक्स्ट सवाल देखिएगा। तो अगला क्या दिया गया, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी ऐसा पूछा गया है। ठीक है, तो देखिएगा आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो यह की गई थी स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी दयानंद विद्यार्थी सरस्वती के द्वारा की गई थी। ठीक है, अब कब की गई थी? तो आपका एक यहां पर 7 अप्रैल 1875 में आर्य समाज की स्थापना की गई थी, किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वेदों की ओर लौट चलो, देखिएगा हाँ बिल्कुल कराएंगे बच्चे SSC GD के लिए बहुत जल्दी, देखिएगा क्योंकि अपने साथ सोनबीर सर हैं, मैथ्स के लिए कोई दिक्कत नहीं, अपने साथ विद्यार्थी रीजनिंग में हरी सर है कोई दिक्कत नहीं, और जनरल अवेयरनेस तो अच्छा है, कोई भी सब्जेक्ट हो हम आपको सारी सब्जेक्ट करवा देंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस की मैं बात कर रहा हूँ, स्पेशली वो जो 40 नंबर है उसके लिए, और हिंदी के लिए बहुत जल्दी प्रदीप सर लौट जाएंगे तो उसके बाद हम शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो स्पेशली आपका GD के लिए अभी थोड़ा सा DRDO के कोर्स में कुछ सब्जेक्ट बचे हैं मेरे, बस उन्हें एक बार समाप्त कर दूं फिर आपका कुछ टॉपिक रह गया ना, चलेगा। ठीक है, तो चलिए देखिए विद्यार्थी आपका आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट सवाल पूछ रहे कि नागालैंड में सशस्त्र बल अधिनियम अफस्पा देखेगा को वापस लेने की मांग को देखते उनके लिए भारत सरकार द्वारा गठित 5 सदस्य समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? 5 सदस्य समिति का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है ना, चलेगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए जो चले, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका? विवेक जोशी अफस्पा आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, यानी विवेक जोशी समिति चर्चा में किसी ना किसी एग्जाम में आपको देखने को मिलेगी कि पूर्वोत्तर भारत में जो आर्मर्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट है ना। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा विवेक जोशी समिति क्या की गई थी, बनाई गई थी कि पूर्वोत्तर भारत में इस जो अफस्पा को हटाया जाना चाहिए या नहीं हटाया जाना चाहिए। ठीक है, तो इस समिति ने रिकमेंड किया आपका कि अभी वहां पर इस स्थिति में नहीं है कि इस एक्ट को हटा दिया जाएगा। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत में अफस्पा को हटाए जाने की स्थिति में नहीं है, चलेगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्टिंग मिल्क टू कर्ड, यानी कि यहां पर क्या पूछा गया, दूध को दही में परिवर्तित करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, कौन जिम्मेदार है ऐसा हमसे पूछा गया, तो हमारा आंसर क्या बनेगा सर? हमारा आंसर बनेगा क्या बनेगा, दूध में दही को परिवर्तित करने के लिए उसमें क्या होता है, लैक्टोस वैसलस बैक्टीरिया होता ना, लैक्टोस, ठीक है ना, लैक्टोस इसमें प्रेजेंट रहेगा। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी में आप किसका अध्ययन करते हैं, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, एल्गी फंगस या, तो देखिएगा जो फंगस यानी कि शैवाल का अध्ययन किसमें किया जाता है, फाइकोलॉजी में, और ध्यान दीजिएगा कवक का अध्ययन किसमें किया जाता है, ये माइकोलॉजी में किया जाता है, ये माइकोलॉजी में होता है आपका। ठीक है, कौन सा, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। ठीक है ना, कवक का अध्ययन माइकोलॉजी में किया जाता है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, नेक्स्ट सवाल अग्निपी देखिएगा क्या दिया गया, अग्निपी विच ऑर्गेनाइजेशन हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर द न्यू जेनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्निपी। ठीक है, ओडिशा कोस्ट इन विद्यार्थी क्या दिया गया आपका, बालासोर, बालासोर में हमारे देखिए ओडिशा के अंदर दो आपके प्रक्षेपण केंद्र हैं, एक है आपका कौन सा, बालासोर, दूसरा कौन सा है, चांदीपुर, दो है ना। तो सवाल यहां पर पूछा गया अग्निपी, जो कि सर वॉइस नॉट इज क्लियर, वॉइस क्लियर नहीं आ रही आपको, हमारी आवाज सही से नहीं पहुंच पा रही है, सभी लोग बताएगा फिर संभव तो हम कोशिश करेंगे कि कुछ अच्छा बोले, मीठा बोले, कुछ गाना गाएं, चलेगा आवाज सही है। देखिए तो यहां पर पूछा गया आपका, तो ये किस संगठन के द्वारा, तो यहां ध्यान दीजिएगा
डीआरडीओ के द्वारा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ के द्वारा, अग्निपी, ठीक है ना, चलेगा। सवाल हमारे पास दिया गया बीसीसीआई, अभी हाल ही में बीसीसीआई चर्चा में रहा। बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी ब्रिटिश काल में, ब्रिटिश काल में बीसीसीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है, आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, बीसीसीआई की स्थापना 1928 में हुई थी, तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है, प्रथम अध्यक्ष कौन है, ऐसा सवाल पूछा गया आपसे। तो देखिए बीसीसीआई के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, आर ई ग्रांट गोवेन प्रथम अध्यक्ष थे, और वर्तमान समय पे कौन है, रोजर बिनी, आर बिनी वर्तमान समय पर हैं, रोजर बिनी वर्तमान समय पर है, सौरभ दादा रिटायर हो गए हैं। गुड मॉर्निंग बच्चा, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, बहुत बढ़िया। देखिएगा आप जब भी क्लास में उपस्थित होते हैं तो एक नई ऊर्जा आ जाती है, क्योंकि आपके नाम से ही ये बच्चे जानते हैं कि आप कौन हैं, है ना। तो यहाँ पर हमारे दारोगा हप्पू सिंह जो बच्चे हैं, इसी नाम के साथ इन्होंने सिलेक्शन भी लिया, ठीक है ना, चलो भाई। और अभी वर्तमान समय पर यूपी पीसीएल जेई के अंदर कार्यरत है, ठीक है। तो देखिएगा अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। अगला सवाल, किस राज्य के अस्कोट वन्य जीव अभयारण्य को क्या कर दिया गया, आपका पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया, ईएसजेड। ईएसजेड का मतलब होगा इसे इकोनॉमिक विद्यार्थियों सेंसिटिव जोन के रूप में घोषित किया गया। अस्कोट ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भारत के कौन से राज्य में, तो आप जानते हैं कि नेपाल ने एक समय पर क्या किया था, समझो, नेपाल ने पिछले वर्ष यानी कि पिछले वर्ष नहीं 2020 में अपना नया मैप जारी करा, और जब नया मैप जारी करा तो उसमें उत्तराखंड के पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट से तीन जगह को, जैसे काला पानी है, लिंपियाधुरा है और लिपू लेक है, इसे अपने मैप में दर्शा दिया। जिस कारण से देखिएगा तो ये जो आपको अस्कोट दिख रहा है ना, उसी क्षेत्र में आता है, या अस्कोट उसी क्षेत्र में आता आपका, कहां पर, उत्तराखंड के अंदर, जो कि उत्तराखंड के राज्य पशु यानी कि उत्तराखंड का जो स्टेट एनिमल है उसके लिए प्रसिद्ध है, कस्तूरी मृग के लिए, कस्तूरी विद्यार्थियों मृग के लिए, ठीक है ना, ये उत्तराखंड का क्या है, राज्य पशु है, उसके लिए जाना जाता आपका। चलिए नेक्स्ट सवाल, अगला सवाल हमारे पास दिया गया, डबल फॉल्ड शब्द किससे जुड़ा हुआ है, डबल फॉल्ड द वर्ल्ड विद्यार्थियों, डबल फॉल्ड किस क्षेत्र से संबंधित है, डबल फॉल्ड जो शब्द है आपका ये किससे जुड़ा हुआ है, तो डबल फॉल्ड आपका किससे जुड़ा हुआ है, टेनिस से, ठीक है ना, जैसे गैम्बिट, जैसे चाइनामैन, ठीक है। तो इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं आपके, देखिएगा तो अगर मैं बात करूं गैम्बिट तो चेस से संबंधित है, ठीक है, चाइनामैन आपका क्रिकेट से, हुक आपका किस खेल में आता है, तो हुक आपका बॉक्सिंग में भी आता है और हुक आपका क्रिकेट में भी आता है, तो ये टर्म्स है आपके, स्पेशल टर्म्स है, ठीक है। चल नेक्स्ट बने अगले सवाल पर चले आपके। अगला सवाल दिया गया कि भारत ने 2024 में पेरिस ओलंपिक में, देखिएगा टॉप्स की बात की आपका, टॉप्स समझते हो, टॉप्स का मतलब विद्यार्थियों टारगेट ओलंपिक पोडियम्स की बात की गई, तो टॉप्स के लिए यानी कि 2024 यानी कि हम लोग पेरिस ओलंपिक की बात कर रहे हैं, पेरिस में जो ओलंपिक खेल होगा आपके, तो देखिएगा टॉप्स में पहली सूची में कितने एथलीटों को शामिल किया गया है। सर बटरफ्लाई शब्द का प्रयोग आपका स्विमिंग से होता है, बिल्कुल सही कहा आपने सर, 148, ये सवाल पूछा जा चुका आपका, 148, बहुत बढ़िया, 148, ठीक है, 148, ठीक है ना, टॉप्स में देखिएगा तो कितना, 148। नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला देखिएगा, शिव समुद्रम वाटरफॉल किस नदी पर स्थित है, शिव समुद्रम वाटरफॉल आपका कावेरी नदी पर स्थित है, कौन से राज्य में, तो राज्य रहेगा हमारा कर्नाटक, कर्नाटका के अंदर रहेगा आपका, ठीक है। और कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहा जाता है। नमस्ते बच्चा, नमस्ते धीरे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, चलेगा अगले सवाल पर बढ़े हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारे पास जो दिया गया, सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है,
यहां पूछा गया कि ओल्ड करेंसी को क्या कर दिया गया आपका, यानी उसे टर्मिनेशन की बात की गई और गवर्नमेंट के द्वारा नई करेंसी जब लाई जाती है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग, डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है। डिमोनेटाइजेशन कहा जाता है यानी कि विमुद्रीकरण कहा जाता है। इस शब्दावली देखिए विक्रांत बैच में कंप्यूटर चल तो रही बच्चे आपके, हरी सर हमारे कंप्यूटर पढ़ा रहे हैं और स्पेशली सर का तो सब्जेक्ट है और बहुत अच्छे चीजें आप लोग को सर बताएंगे चीजें, ठीक है ना। और देखिएगा अभी तो बहुत आगे पहुंच गया आपका कंप्यूटर, अब तो कंप्यूटर वाली कहानी बहुत आगे पहुंच चुकी है, ठीक है चलेगा। इसे डिमोनेटाइजेशन कहते हैं आपका, क्या कहा जाता है, डिमोनेटाइजेशन, ठीक है ना। और जितने बच्चे हमारे, अब आप सभी लोग जानते हैं कि आपका अगले दो महीने के अंदर जितने भी एग्जाम है आपके वो सब होने वाले हैं, ठीक है। तो सभी बच्चे जो लगभग हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो अब वो समय आ गया कि आपको रिवीजन करना है। हर दिन आपको नया सवाल दिखेगा, कुछ ना कुछ आपको करंट अपडेट से जुड़े हुए सवाल दिखेंगे, ठीक है। तो इन क्लासों को मत भूलिएगा, एक सुबह 5 बजे होती है और एक क्लास आपकी इवनिंग में 5 बजे होती है, यानी कि दोनों समय हम आपके साथ ही हैं। सुबह के 5 बजे भी हम आपके साथ हैं और किस समय पर, शाम के 5 बजे भी हम आपके साथ हैं। और वीक में विद्यार्थी हम कोशिश करें कि हर दिन ऐसा हो, हर दिन ऐसा हो, ठीक है ना। सुबह के 5 बजे नींद भी हम खुलाएंगे आपकी और शाम को विद्यार्थियों हम आपके साथ रहेंगे, ठीक है चलेगा। आरा विजय बिल्कुल बिल्कुल, एसएससी जेई के लिए भी आपके साथ है, ठीक है। अच्छा पंकज बच्चे आपका कहीं पर सिलेक्शन हुआ है तो इस संबंध में तो आपने बात नहीं करी शायद, ऐसा मुझे कुछ ज्ञात हुआ है कि, ठीक है चलो देखिएगा। दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, देखिए ये राउंड टेबल क्या था आपका, राउंड टेबल की शुरुआत हुई थी आपके 1930 से, फिर 1931 में हुआ, फिर आपका 1932 में हुआ, तीन राउंड टेबल हुए आपके। इन तीन राउंड टेबल में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों में भाग लिया, ठीक है ना, तीनों में विद्यार्थियों जिन्होंने भाग लिया चलेगा। अजय बच्चे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा, व्हाट्सएप कर दीजिएगा, पीडीएफ बना के आपको सेंड कर देंगे 1 ईयर वाली चलेगा, ठीक है ना। तो देखिए यहां पर क्या दिया गया आपका, अब मैं क्या कह रहा हूं आपसे, गांधी जी ऐसे मात्र व्यक्ति थे जिन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हुए दूसरे सम्मेलन में भाग लिया। पूछा भी जाता है क्या गांधी जी ने कभी इसमें भाग लिया, हाँ बिल्कुल। देखिए पंकज बच्चा देखिएगा, आपने मैसेज ड्रॉप तो नहीं किया था लेकिन अब कहीं से तो पता चल ही जाता है ना। चलिए आप सभी लोगों को देखिए, सभी बच्चों की तरफ से आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं और एडी परिवार की तरफ से, चलिए ठीक है। तो देखिए दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था आपका, दूसरा गोलमेज सम्मेलन, दूसरा विद्यार्थियों गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ऊर्जा, देखिए नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। क्वेश्चन क्या हमारा, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। तो ये हम प्रत्येक वर्ष कब मनाते हैं, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है आपका, तो कब मनाया जाता है विद्यार्थियों, तो ये 14 दिसंबर को मनाया जाता है, 14 दिसंबर को प्रत्येक वर्ष नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बर्थ एनिवर्सरी पर हम लोग 2019 से मना रहे हैं इसको, तो कब मनाते हैं देखिएगा, इस दिन क्या आते हैं, इस दिन सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की क्या आती है, बर्थ एनिवर्सरी आती है। और प्रत्येक वर्ष हम लोग इसे कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर को मनाते हैं, कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर को, ठीक है। और सवाल पूछा गया था रिसेंट के एग्जाम में कि एससीओ के द्वारा भारत में 8 अलग अलग, देखिएगा पूरे समझ आपसे पूछा गया, सर बाबू देखो क्या पूछे आपने, एक सवाल पूछा आपने, यहां पर कहां चले गए हमारे विद्यार्थी, दीपक कुमार कह रहे 1 ईयर कंप्लीट करंट अफेयर सीरीज कब से स्टार्ट होगा, बच्चा होगा आज कंप्लीट हो चुका है, 1 ईयर का मतलब समझ रहा, हमने नवंबर 2021 से और
अक्टूबर 2021-22 तक विद्यार्थियों, अक्टूबर 2022 तक का जितना भी महत्वपूर्ण सवाल हो सकता आपके लिए, सुबह 5 बजे से 1.5-2 घंटे क्लास लेके समाप्त कर दिया। चलेगा, ठीक है ना। चले देखिए बच्चा, देखिए पंकज बच्चा, आपने नहीं कहा तो हमें कोई बात नहीं। चले, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी केवड़िया गुजरात में, जो एससीओ में शामिल है। बिल्कुल सही कहा आपने, एससीओ में शामिल है। सबरीमाला मंदिर, सबरीमाला मंदिर कहां पर स्थित है? सबरीमाला मंदिर विद्यार्थियों कहां पर स्थित है, ऐसा सवाल पूछा जाए आपसे, ठीक है ना। ऐसा सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, आप जानते हो कहां पर, हमारे केरल राज्य के अंदर। क्यों पूछा जाएगा? क्योंकि यहां पर महिलाओं के प्रवेश को प्रतिबंधित किया गया था, ठीक है। तो लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने जब नोटिस जारी करा तो सबरीमाला मंदिर में महिलाएं भी जा सकती है, प्रवेश कर सकती है, ठीक है। उसके अलावा यहां पर एक मंदिर और है, पद्मनाभ स्वामी मंदिर। पद्मनाभ स्वामी मंदिर, पद्मनाभ विद्यार्थी स्वामी मंदिर भी हमें यहीं पर देखने को मिलेगा। कहां पर? तो ये आपका तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है, तिरुवनंतपुरम केरल के अंदर है, ठीक है ना। चलेगा, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, नेक्स्ट सवाल विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए बिना कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकते हैं? अब जैसे एग्जाम्पल के लिए उत्तराखंड के सीएम और वेस्ट बंगाल के सीएम, ठीक है ना। आपसे सवाल क्या पूछा जा रहा है, देखिएगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है कि राज्य विधानसभा, हम लोग क्या असेंबली की बात कर रहे हैं ना। आप विधानसभा के सदस्य नहीं है और आपके ठीक ठाक विद्यार्थी क्या है, क्षेत्र में पकड़ है, जिसे कहा जाता है, समझो। तो आपको कैबिनेट मंत्री बना दिया जाएगा और कितने समय तक आप रह सकते हो, कितने समय तक रह सकते हो, तो देखिएगा। कई बच्चों ने कहा कि सर 60 दिन तक नहीं, 6 महीने तक, 6 महीने के अंदर अंदर आपको या तो इलेक्शन जीत के आना होगा, आपको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है, बनना होगा, तब जाके आप क्या रह सकते हैं, आगे कंटिन्यू आपके पास कैबिनेट मंत्रालय रह सकता है। चलिए, नेक्स्ट सवाल, अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है और इसी दिन प्रत्येक वर्ष नोबेल पुरस्कार भी दिए जाते हैं, ठीक है, नोबेल प्राइज भी इसी दिन दिया जाता है प्रत्येक वर्ष, ठीक है ना। तो आपसे सवाल पूछा गया, क्या पूछा गया, तो प्रत्येक वर्ष 10 दिसंबर को हम लोग किस रूप में मनाते हैं, तो 10 दिसंबर को विद्यार्थियों आपका किस रूप में मनाया जाता है, तो नेशनल ह्यूमन राइट डे के रूप में मनाया जाता है, राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है, यह भी याद रखेगा, 10 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक। चलेगा, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला क्वेश्चन पूछा गया बिम्सटेक, ये बिम्सटेक क्या है, बे ऑफ बंगाल से जुड़े हुए, बे ऑफ बंगाल से इसका स्थापना विद्यार्थियों गलती से 1958 हमने कह दिया, जबकि इसकी स्थापना कब हुई थी, 1997 के आसपास हुई थी, ठीक है। यह क्वेश्चन पूछा गया आपका कि बिम्सटेक का सदस्य नहीं है, इसमें 7 सदस्य हैं, भारत इसका मेंबर है, भारत के अलावा 6 कंट्रियां और इसके अंदर मेंबर हैं, किसमें, बिम्सटेक में। अब क्वेश्चन यह बनता है आपका कि इसमें कौन नहीं है, तो बे ऑफ बंगाल से जुड़ा हुआ चाइना तो नहीं है, तो देखिएगा चीन इसका सदस्य नहीं है। जब मोदी जी ने दूसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली तो उस समय पर इन 6 देशों के राष्ट्र अध्यक्षों को क्या किया गया था, आमंत्रित किया गया था। अब 6 क्यों कह रहा हूं मैं, 7वां तो भारत है, इसलिए तो 6 कह रहा हूं, 7वां तो कौन है, भारत है, ठीक है ना। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, डिज्नी यहां पर क्या दिया गया, बायजूस अर्ली लर्न ऐप की बात कहेंगे तो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ डिज्नी बायजूस अर्ली विद्यार्थी लर्न ऐप, ठीक है। तो ये सत्यम चौरसिया बच्चा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो देखिएगा किसे चुना गया, नीरज चोपड़ा और पीवी सिंधु दोनों को चुना गया, यानी कि बोथ ए एंड बी दोनों आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के रूप में कौन है, तो सवाल तो पुराना हो गया क्या, नहीं सर, सवाल तो नया है,
नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कि सीएजी। अब जो हम सोच रहे थे वो क्या था, महान्यायवादी था, ठीक है। तो वर्तमान समय पर हमारे कैग कौन है, कैग यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 148 को हम लोग जानते हैं, और 148 में क्या दिया गया, 6 या 65 वर्ष की आयु तक, या तो 6 वर्ष पहले हो या तो 65 वर्ष पहले हो, ठीक है, कैग की यहां पर बात की जा रही है। तो ऑप्शन में क्या, आर के माथुर किसने आंसर दिया, कान पकड़ लो दीपक बच्चा, दीपक बच्चे, इससे पता चलता है आप सच में मॉर्निंग की क्लास नहीं देखी आपने। सिर्फ एक बच्चा हमारी पकड़ में आया और जिन्होंने आंसर क्या दिया, आर के माथुर। बच्चे आर के माथुर वर्तमान समय पर लद्दाख के राज्यपाल हैं, जो यहां आर के माथुर दिख रहे ना, ये आर के माथुर विद्यार्थी आपके लद्दाख के उपराज्यपाल हैं। मनोज सिन्हा की बात करेंगे तो ये आपके कहां पर है, ये कहां पर है विद्यार्थी आपके, मनोज सिन्हा। एक बच्चे ने और एक गलत आंसर दे दिया सीजीए के बारे में, सीजीए भी बदल गई विद्यार्थी, भारती दास बन गई है सीजीए। तो देखिएगा मनोज सिन्हा आपके जम्मू एंड कश्मीर गए, सत्यपाल मलिक विद्यार्थी ये भी पूर्वोत्तर भारत में थे, तो अभी वहां से भी इन्होंने चलेगा। नेक्स्ट बनेंगे अगला सवाल देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का लेखा वर्ष शुरू होता है, यानी आरबीआई का हम लोग फिस्कल ईयर कहें या एक वित्तीय वर्ष शुरू होता है, तो ये जुलाई से शुरू होगा और अगले वर्ष कहां तक रहेगा, जून तक रहेगा, ठीक है। तो जुलाई से शुरू हो जाएगा और अगले वर्ष जून तक, तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर आपका। अगर मैं बात करूं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है ना, सर सीजीए आर वेंकट रमणी, सीजीए किसने बोला यार आपको, कैग थोड़ा ना बने हो, कैग थोड़ा ना बने बच्चे, वो तो महान्यायवादी बने, वो तो अटॉर्नी जनरल आपके, वो तो आपका एजी बने बच्चा, एजी अटॉर्नी जनरल, पहले मुकुल रोहतगी को बनाया जा रहा था, समझो। नहीं नहीं नहीं, आप सब खिचड़ी पका रहे हो, अपनी भी पका रहे हो, हमें बता रहे हो, ठीक है। मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि वो क्या है आपके अटॉर्नी जनरल, वो महान्यायवादी है। अरे वो तो आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 76 में क्या दिया गया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, समझो। एजी की बात करेंगे अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जिन्हें हिंदी में कहते हैं आपका महान्यायवादी। अब महान्यायवादी के वेणुगोपाल थे, वो रिटायर होंगे, मुकुल रोहतगी को बनाया जा रहा था, ठीक है ना, वो आपके आर्टिकल देखिए वो अलग है, वो अलग है, हाँ वो कहानी अलग है विद्यार्थियों, वो अलग कहानी है, चलेगा। तो ये सवाल था आपका। अब देखिएगा यहां से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि 1969 में कितने बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण हुआ था, और 1980 में कितने बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण हुआ था, ठीक है, क्या इन दोनों में एसबीआई शामिल था। राष्ट्रीयकरण का मतलब नेशनलाइजेशन विद्यार्थी, नेशनलाइजेशन यानी कि ये देखिएगा पहले आपके प्राइवेट सेक्टर में थे और इन बैंकों को सरकार ने अपने अधीन ले लिया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन पहले क्या थे, ये आपके प्राइवेट बैंक थे, समझो, पहले प्राइवेट बैंक थे, बाद में इसे क्या कर दिया गया आपका, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। तो देखिए 1969 में 14 बैंकों का एक साथ हुआ और 80 में कितने, 6 बैंकों का एक साथ राष्ट्रीयकरण किया गया, भारत सरकार के अधीन रखा गया। इस संबंध में मैंने आपसे कहा भी था ना कि आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, 1948 की जो पॉलिसी आई थी, कौन सी, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी, नई औद्योगिक नीति, अब यहां जो झुकाव था इस पॉलिसी का, यानी प्राइवेट चीजों को सरकार अपने अधीन लेके आ रही थी। 1991 में जहां मनमोहन सिंह को भारत के उदारीकरण का जनक माना जाता है, इसका झुकाव क्या था विद्यार्थियों, तो यहां देखिएगा यहां ठीक विपरीत हो गया, यानी कि चीजों को अब प्राइवेट किया जाने लगा। जो ऑनरशिप की बात करेंगे हम लोग, ऑनरशिप की बात करेंगे तो भारत में मिक्स इकोनॉमी है ना, आप जानते हो ना, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, तो इसमें जो झुकाव था, यानी कि न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी,
इसमें क्या किया जा रहा था आपका 48 में, सरकार अपने अधीन चीजों को ले रही थी, और 1991 में क्या हुआ, प्राइवेट की जाने लगी चीजें, यानी कि मार्केट में प्रतियोगी बढ़ गए, समझो क्या बढ़ गए विद्यार्थी, प्रतियोगी बढ़ गया आपके, ठीक है चलेगा। यहां पर पूछा गया कि देखिएगा हावेरी रेलवे स्टेशन है आपका, हावेरी रेलवे स्टेशन जो कि कहां पर स्थित है, इसका नाम स्वतंत्रता सेनानी किसके नाम पर रखा गया, तो देखिए विद्यार्थियों मैलारा महादेवप्पा के नाम पर रखा गया, भारत के कौन से राज्य में है, ठीक है ना, भारत के कौन से राज्य में है, क्या टीजी टू वाले भी क्लास देख सकते हैं, क्यों टीजी टू में बच्चा हमारा 10 नंबर का आता है ना, तो 10 नंबर के सवाल ऐसे ही रहेंगे, जहां जहां जीके लिखा हुआ है, जीएस लिखा हुआ है, जीए लिखा हुआ है, तो वो सब बच्चे इन क्लासों को जरूर देखेगा। अगर आपको लगता है कि हमें सवाल आ रहे हैं तब तो ठीक है, आपको लगता है नहीं आ रहे तो अभ्यास करना पड़ेगा ना, चलेगा। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका, सर ये कर्नाटक में है, अगर मैं आप लोगों को कर्नाटक भेजूं अभी तो आप वहां से कौन कौन से नृत्यों को देख आएंगे, आपको कहां भेजा जाएगा, कर्नाटक भेजा जाएगा, ठीक है। जब आप कर्नाटक जाते हैं तो विद्यार्थियों यहां पर आपको वैलगावी या वैलगांव के बारे में पता है, सर पता है हमें, यहां पर इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1924 का सम्मेलन हुआ और जिसकी अध्यक्षता किसने करी थी, तो ये गांधी जी द्वारा की गई थी, गांधी जी द्वारा, मात्र देखेगा एक ही बार इंडियन नेशनल कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी, वो कहां पर की गई थी, वैलगांव अधिवेशन, जो वर्तमान में कहां पर हमारा कर्नाटक के अंदर है, ठीक है ना। अब कर्नाटक गए तो आप लोग वहां पर कंबाला नृत्य भी देख के आना, कंबाला उत्सव जो कि भैंसों की दौड़ है कंबाला, ठीक है, उसके साथ साथ आपको यहां पर क्या देखने को मिलता है, यक्षगान भी देखने को मिलता है, और क्या देखने को मिलता है विद्यार्थियों, तो भूत कोला भी हमारे इसी राज्य से जुड़ा हुआ है, ठीक है, भूत कोला भी यहीं से जुड़ा हुआ है। नेशनल पार्क बहुत सारे आपके, बन्नेर घट्टा है जो भारत में एकमात्र तितली उद्यान है, नागर हॉल आपका हो गया समझो, उसके बाद आरसी हो गया, डंडेली हो गया, ये सभी के सभी हमारे कर्नाटक में है। जब कर्नाटक जाते तो आपको जोग फॉल भी दिखता है, समझो जोग फॉल, हाँ हप्पू सिंह विद्यार्थी कह रहे सर कंबाला उसी एग्जाम में आया था जिसमें आपने सिलेक्शन लिया है, और शायद आपके शिफ्ट में भी आया होगा, समझ कंबाला याद है ना, भैंसों की दौड़, और हम लोगों ने कई बार पढ़ा था उसको, हम लोगों ने उससे पहले भी कई बार पढ़ा था, चलेगा। देखिएगा यहां पर पूछा गया डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि राज्य हड़प नीति, तो ये जो लाई गई थी किसके द्वारा लाई गई थी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी 1848 से 56 तक, ये क्या रहा भारत में, ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल रहा, ठीक है, कौन, लॉर्ड डलहौजी, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी उस समय पर गवर्नर जनरल रहा। तो आपसे सवाल पूछा जा रहा है, अब होता क्या था, जिस राजा का अगर बेटा नहीं है तो वो दत्तक पुत्र भी नहीं रख सकता है, और उसके राजा की मृत्यु के बाद उसके राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता था, ठीक है। तो इनमें से जो उसने हड़पा सबसे पहले, तो क्या क्या था विद्यार्थी आपका, इसमें झांसी हो गया, नागपुर हो गया, और सतारा हो गया, और सतारा जो ऐसा राज्य था जिसे सबसे पहले हड़पा गया, उसके बाद अवध के राजा पर कुशासन का आरोप लगाकर उसे भी हड़प दिया, ठीक है ना। तो याद रखिएगा झांसी, नागपुर, और क्या आएगा आपका, सतारा, ठीक है। चलिए मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है, यह मत कहिएगा कि सर आपने हमें नहीं बताया इसके बारे में, कि मर्डेका कप किस खेल से संबंधित है, ठीक है ना। तो यह मर्डेका कप आपका किस खेल से जुड़ा हुआ है, तो यह जुड़ा है विद्यार्थी हमारा किससे, फुटबॉल से, या टेनिस से, या बैडमिंटन से, या हॉकी से, सर यह फुटबॉल से जुड़ा हुआ है। जब फुटबॉल की बारी आ रही है तो देखिए क्या फीफा के बारे में हम लोग जानते हैं, ये पीपा नहीं है, ये फीफा है, जो कि इंटरनेशनल के आपका फुटबॉल फेडरेशन है। इंटरनेशनल फुटबॉल फेडरेशन 1903-4 में एस्टैब्लिश होता है, मुख्यालय कहां पर इसका,
तो मुख्यालय ज्यूरिख सिटी के अंदर, ज्यूरिख शहर कहां पर, स्विट्जरलैंड में। वर्तमान समय पर इसके हेड कौन है, तो ज्ञानी विद्यार्थियों इन्फेंटिनो वर्तमान समय पर इसके हेड है, किसके, फीफा के। और फीफा वर्ल्ड कप होने वाला आपका कहां पर, कतर के अंदर 2022 में। जा रहे ना आप लोग, चलेगा कतर जा रहे जी हम। नेक्स्ट सवाल, अर्जुन पुरस्कार प्रत्येक वर्ष दिया जाता है कब, आपका 29 अगस्त को, क्योंकि 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। लेकिन कब से दिया जा रहा है, सवाल हमारे पास क्या है कि नेशनल स्पोर्ट्स डे पर यह पुरस्कार दिया जा रहा है, लेकिन कब से दिया जा रहा है। तो यह प्रत्येक वर्ष देखिएगा 29 अगस्त को दिया जाता है, कब से, 1961 से। इसी दिन द्रोणाचार्य पुरस्कार भी दिया जाता है, और इसी दिन आपको याद रखना होगा कौन सा पुरस्कार, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार भी इसी दिन दिया जाता है। ठीक है, जैसे जैसे लाइव बन रहे तो वीडियो को लाइक भी करते रहेगा, वीडियो को लाइक भी करते रहेगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, गैम्बिट शब्द का प्रयोग कहां पर होता है, जैसे कि आपको मैंने एक शब्द का नाम बताया डायमंड, सर डायमंड का प्रयोग कहां पर होता है, ठीक है ना, डायमंड शब्दावली का प्रयोग कहां पर होता है, वेलोड्रम शब्दावली का प्रयोग कहां पर होता है, वेलोड्रम का प्रयोग कहां पर होता है, तो देखिएगा गैम्बिट हो गया आपका चेस में, डायमंड हो गया आपका बेसबॉल में, वेलोड्रम हो गया आपका साइकिलिंग के ट्रैक को, ठीक है ना, तो यह भी याद रखना आप लोगों को, चलेगा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला सवाल सतपुड़ा की पहाड़ियां, देखिएगा सतपुड़ा रेंज, सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सतपुड़ा पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, ऐसा सवाल हमसे पूछा गया, तो हम क्या कहेंगे, धूपगढ़। अब एक क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं आप लोगों को अक्सर बताता हूं कि VNST याद रखिएगा, वी रिप्रेजेंट करेगा आपका विंध्याचल, विंध्याचल आप जानते हो क्या रेंज है, एन रिप्रेजेंट करेगा आपका नर्मदा को, एस रिप्रेजेंट करेगा आपका वही सतपुड़ा रेंज, और देखिएगा टी रिप्रेजेंट करेगा आपका ताप्ती नदी को, ठीक है ना, ये नर्मदा नदी कहां पर, कहां से निकलती है, तो ये निकलती है हमारी अमरकंठक की पहाड़ियों से, अमरकंठक पहाड़ियों से निकलती है, ठीक है, कौन सी, नर्मदा नदी। आपसे पूछा जाता है कि नर्मदा नदी किस दिशा में बहती है, तो यह बहती है आपकी किस दिशा में, वेस्टर्न फ्लो रिवर है जो एस्चुरी बनाती है, ना कि डेल्टा बनाती है, बताया था ना इसके बारे में, समझो, हाँ बहुत बार काम आया ना, आगे भी काम आना चाहिए। देखिएगा, तो देखिए नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य से होकर बहती है, तो ये रही बच्चे हमारी पहाड़ियां, ये रही पहाड़ियां आपका, ये पहाड़ियां हैं, ये दो पहाड़ियां दिख रहे आपको, ये दो पहाड़ियां, एक पहाड़ी है, एक पहाड़ी ये है बच्चा आपका, ये सतपुड़ा की रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज आपकी, और आपसे पूछा जा रहा है कि नर्मदा नदी, ये बह रही हमारी नर्मदा नदी, यारी हमारी नर्मदा नदी, देखिएगा तो नर्मदा नदी किन दो पहाड़ियों के मध्य से बहती है, तो देख लीजिएगा नर्मदा नदी आपका अमरकंठक की पहाड़ियों से निकलेगी, यानी कि MP और छत्तीसगढ़ की सीमा से निकलती है, और कहां जाकर गिर जाती है आपका, अरेबिक सी में जाकर गिर जाती है। इस नर्मदा नदी को देखिएगा, इसके ध्यान दीजिएगा, विंध्याचल और सतपुड़ा रेंज के मध्य बहती है, और इस पर आपको धुआंधार फॉल भी तो दिखता है, धुआंधार फॉल दिखता है आपको कहां पर, मध्य प्रदेश के अंदर। इसी नर्मदा नदी से एक सवाल पूछा जाता है कि सरदार सरोवर डैम कौन सी नदी पर है, तो यह हमारे नर्मदा नदी पर है। और अभी एक सवाल पूछा गया था कि आलिया बैट, आलिया बैट क्या है विद्यार्थियों, आइलैंड है जो गुजरात के अंदर है, वो कौन सी नदी पर है, ठीक है ना, नहीं बच्चे नहीं, आज तो नहीं मिल पाया कोई भी, मैं तो ऑफिस में ही था आज दिन भर शायद, हाँ मैसेज तो आया था बच्चे का कि सर हमें आपसे बात करनी है, लेकिन बात उसके बाद कॉल नहीं किया उन्होंने, हाँ मैसेज तो ड्रॉप किया हुआ था लेकिन कॉल नहीं किया उन्होंने,
राकेश बच्चा, राकेश प्रजापति हमारे स्टूडेंट है, उनका मैसेज तो आया था लेकिन कॉल किया नहीं उन्होंने। अब होता गया ना कि हाँ मैसेज तो आया था मेरे पास, चलेगा आ लिया भाई, ठीक है ये भी समझ में आ गया। तो ये समझ देखिए, अब दूसरा सवाल क्या बनेगा आपसे, ये पूछ लिया गया कि जो सतपुड़ा रेंज है वो किन दो पहाड़ियों, किन दो नदियों के मध्य है। समझो, आपसे पूछ लिया गया कि सतपुड़ा रेंज किन दो नदियों के मध्य है। तो देखिएगा, इधर से अपनी नर्मदा हो गई और इधर से अपनी क्या हो गई, ताप्ती हो गई। ये ध्यान देना, आपके दोस्त का नाम होगा वो आपके ही है, ठीक है, वो हमारा तकिया गलाम है अपना अपना, ठीक है ना, ये हमारा अपना वाला, ठीक है। तो आप उसे गलत दिशा में मत लेके जाएगा, क्योंकि उम्र के हिसाब से आप लोग बहुत अच्छा सोच लेते हैं, इसलिए कह रहा हूं मैं। तो ये देखिएगा, क्योंकि नदियों के नाम हमेशा किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में आते हैं कि पुल्लिंग में आते हैं। हिंदी का एक सवाल है, हिंदी भी तो पूछता है आपका, हिंदी पूछता है ना कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग में आएंगे कि पुल्लिंग में आएंगे। तो ब्रह्मपुत्र और सोन नदी को छोड़कर सभी नदियां स्त्रीलिंग होगी, जेंडर की बात करेंगे, है ना, ब्रह्मपुत्र और सोन नदी को छोड़कर ये दोनों पुल्लिंग में आती, बाकी सब स्त्रीलिंग है। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, ताप्ती नदी और नर्मदा नदी हमने यहां पर देख लिया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भारत के कितने राज्य भूटान के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं, ठीक है। तो याद रखिए विद्यार्थियों, ये रहा भूटान, चले पर चल पड़े हम लोग कहां पर, भूटान की तरफ, ये रहा भूटान, कैपिटल क्या आएगा आपका, थिम्पू इसका कैपिटल हो गया। और इसकी जो आउटर सीमा लगी है, ठीक है ना, इसकी दो विद्यार्थी जो बाहरी सीमा लगी है वो किससे लगी है, एक तो आपका अरुणाचल प्रदेश से, एक आपका असम से, इधर से वेस्ट बंगाल और इधर से सिक्किम, सिक्किम, ठीक है ना, सिक्किम। मैं उन बच्चों के नाम देख रहा हूं, देखिएगा बिल्कुल चार, देखिएगा हमारे हप्पू सिंह यानी कि विनीत शर्मा बच्चे को अभी भी सारी चीजें याद है, बहुत अच्छी बात है। अब ऐसा नहीं कि ज्यादा समय हो गया, जब आपने चीजों को बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ा होता ना, बहुत अच्छे से पढ़ा है तो याद तो रहेगा ही। तो चार राज्य हो गए, ठीक है, चार राज्य हो गए हमारे, असम, अरुणाचल, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। नेक्स्ट सवाल, सेल्यूकस ने मैग्ना स्तनीज को किस मौर्य राजा के दरबार में अगले राजदूत के रूप में भेजा था, ठीक है ना। सेल्यूकस ने विद्यार्थियों मैग्ना स्तनीज को, देखिएगा हिज एम्बेसडर टू द, आपका क्या दिया गया, देखिए मौर्य राजा के दरबार में भेजा था। तो देखिए किसे, सेल्यूकस निकेटर को, ठीक है। तो मैग्ना स्तनीज ने किसके दरबार में भेजा था, तो यह भेजा था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, ठीक है। और इंडिका जो बुक लिखी गई, भूगोल पर आधारित इंडिका बुक। नेक्स्ट बढ़े हम लोग अगले सवाल की तरफ, अगला सवाल यह दिया गया आपका, बिल्कुल ऐसा ही सवाल किसी एक एग्जाम में पूछा गया था, और ऐसा नहीं कि यह पहली बार पूछा गया, रटा सवाल है, बैक टू वेदास यानी कि वेदों की और लौट चलो, यह आह्वान किसने किया था, और इनकी किताब भी है कौन सी, सत्यार्थ प्रकाश इनकी किताब भी है, ट्रुथ ऑफ लाइट, सत्यार्थ प्रकाश यानी कि ट्रुथ ऑफ लाइट इनकी बुक भी है। हाँ बच्चे देखिएगा, अभी देखो क्योंकि विंटर का समय है, इस बार टीशर्ट नहीं, आपको हम ट्रैक सूट देंगे पूरा का पूरा, ठीक है। आप जल्दी, क्योंकि आप जा भी डिफेंस में रहे हो, डिफेंस का एग्जाम क्वालिफाई किया है, बहुत जल्दी आपको मौका मिलेगा ज्वाइन करने का। तो बिल्कुल 100% हम आपको, देखिए आपने सिर्फ टी शर्ट का, हम आपको ट्रैक सूट की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी बहाने आप अगर केदारनाथ जाते हो घूमने के लिए, या आप बद्रीनाथ जाते हो घूमने के लिए, तो वहां सर्दी लगेगी ना, इसलिए। चलिए तो देखिए, बैक टू वेदास की बात की गई आपका, तो वेदों की ओर लौट चलो, ठीक है। तो ये किसने कहा था, स्वामी दयानंद सरस्वती, और इनका असल नाम क्या था, मूल शंकर। देखिएगा मूल शंकर। नेक्स्ट सवाल, गुलामगिरी के लेखक कौन है, गुलामगिरी ज्योतिबा फुले के द्वारा लिखी गई है, मगध पर हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, मगध साम्राज्य, ठीक है।
तो मगध समझ, देखिए 16 महाजनपदों में मगध के बारे में हम जानते हैं, ठीक है, मगध के बारे में विद्यार्थी हो, मगध के बारे में जानते हैं हम लोग। 16 महाजनपदों में से एक मगध था, तो मगध पर हर्यक वंश, नंद वंश, शुंग वंश, फिर इस तरह से आते हैं आपके, ठीक है। तो अलग अलग आपके, क्योंकि हम लोग इतिहास में, भारतीय इतिहास में मगध साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं, तो किसने, बिंबिसार, देखिएगा बिंबिसार, चलिए बहुत बढ़िया, बिंबिसार। अगला क्वेश्चन हमारा, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू इक्वालिटी की बात की गई आपका, इनमें से समानता का अधिकार जो फंडामेंटल राइट में हमारे दिया गया भाग 3 के अंदर, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भाग 3 के अंदर, ठीक है ना। तो चलेगा भाग 3 में आर्टिकल 14 से लेकर 18 के मध्य दिया गया है, आर्टिकल 14 और 18 के मध्य, यानी कि समानता का अधिकार, समानता का अधिकार 18 और 14, सॉरी ये आपका 14 से लेकर 18 तक दिया गया ना, 14 टू 18 आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, बैरूत किस देश की राजधानी है। कुछ समय पहले यहां पर काफी बड़ा धमाका हुआ और उसके बाद यहां के जो राष्ट्र अध्यक्ष थे उन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर इलेक्शन हुआ और नई सरकार बनी, तो हमें सवाल पूछा गया, बैरूत में वो धमाका हुआ था, आप अगर सर्च भी करोगे तो आपको मिल जाएगा, लेबनान। बैरूत किसकी कैपिटल है, लेबनान की कैपिटल है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, मटकी, मटकी नृत्य, मटकी नृत्य भारत के कौन से राज्य से संबंधित है, मटकी नृत्य, मटकी नृत्य भारत के कौन से राज्य से, मध्य प्रदेश से। अभी अगर मध्य प्रदेश जाओगे तो इस नेशनल पार्क को नहीं भूलोगे, कूनो जो हमारा नेशनल पार्क है, कूनो नेशनल पार्क को नहीं भूलोगे। क्यों नहीं भूलोगे, क्योंकि एग्जाम में हमें ये दिखने वाला है, समझो, तो हमें इसलिए दिखेगा क्योंकि यहां पर हमने जो प्रोजेक्ट विद्यार्थियों चीता योजना के तहत नामीबिया से जो चीते हम लोग लेके आए वो कहां पर लेके आए, कूनो नेशनल पार्क में, तो भेजे उनको, ठीक है ना। चलिए कूनो नेशनल पार्क, नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आप लोग दीपावली में घर गए और मुझे बताया कि दीपावली में आप घर पहुंचे तो बहुत सारे लोगों ने सबसे पहले उनका स्वागत हुआ, चाय पानी पिलाई गई होगी, उसके बाद आपको पता है आप लोग घर की सफाई पे लग गए। अब उससे पहले तो आप ठीक ठाक थे यहां पर, ठीक है, लेकिन अचानक से आपको घर की सफाई पर लगा दिया गया, आपने बहुत लोगों ने पेंट भी किया होगा सफाई के साथ साथ, विद्यार्थी कुछ लोगों ने तो घर पे पेंट वेंट भी किया होगा, तो फिर आपको बताया कि फिर हाथ पांव दर्द करने शुरू हो जाते हैं, तो उसकी वजह क्या है, अचानक की गई हरकत से लैक्टिक एसिड इकट्ठा हो जाती है, और ये लैक्टिक एसिड क्या करती है, जो ब्लड सप्लाई है ना, यानी कि उसे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा, अगर ब्लड सर्कुलेट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि फिर दर्द करने लग जाएगा, ठीक है। चले ठीक है, तो याद रखिएगा, बिल्कुल काम आपका स्वागत कर रहा था मुझे। देखिए जब हम भी घर जाते थे तो सबसे पहले बिजली का बिल, जो भी LIC, जो पोस्ट ऑफिस, जो गैस, ये सारी चीजें, ये काम कराए जाते थे, बोलने के लिए था कि आप जब भी हम घर जाते थे, अभी तो कहाँ मौका मिलता है, लेकिन सबसे पहले हमसे भी यही काम कराया जाता था, जाके सिलेंडर भरवा दो, जाके आप LIC, बिजली का बिल, जो भी काम होंगे, और 8-10 दिन हम वही काम निपटा के वापस लौटते थे। तो बोलने की बात है कि घर जाके आराम करोगे, कोई नहीं करता आराम, सब देखेगा, फिर भी कुछ काम बचे रहते, आते आते वो भी करके आते हैं, चलेगा ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, यहां पर पूछा गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। अच्छा, स्वतंत्र भारत के पहले चलेगा ठीक है, लॉ मिनिस्टर देखिएगा, देखिए हम भी जाएंगे तो हमें हमें भी तो करना पड़ेगा ना, और अच्छा भी लगता है, चलेगा ठीक है। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत का पहला कानून मंत्री था, तो कौन था विद्यार्थियों, कानून मंत्री कौन थे, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ आप फोन से हो जाते हैं, बहुत बढ़िया, देखिएगा, देखिए प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित करता है, देखिएगा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में
प्लांट क्या करता है, कन्वर्ट टू लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी ना। अच्छा एक सवाल मेरा आपसे, हमारे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन रिलीज होती है, ये ऑक्सीजन आती कहां से होती होगी, कहां पे इसी फैक्ट्री, हमारे एनवायरमेंट में जो ऑक्सीजन है विद्यार्थियों, तो ये ऑक्सीजन हमें मिलती कहां से है। कुछ लोग कह रहे कि हमारे इधर फैक्ट्री लगी हुई है तो पूरे एनवायरमेंट में ऑक्सीजन वहीं से छोड़ दी जाती होगी, है ना सर। ऑक्सीजन कहां से मिलती है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से, तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से मिलती तो है, लेकिन आई कहां से, वो देखिएगा, वो आई कहां से, पानी से। देखिए पानी से आप जानते हैं इसका मॉलिक्यूल क्या है आपका, H2O, यहां दिख रहा है ना, यहां दिख रहा है आपको, पानी से प्राप्त होती है, पेड़ों से ले, बहुत बढ़िया, पेड़ों से बच्चा, पेड़ों से नहीं होती यार ये आती आपकी कहां से, पानी से, H2O में दिख रहा है ना O कहीं पर, बस यहीं से रिलीज होती है। यदि यहां रखना प्रकाश, वो तो एक केमिकल रिएक्शन होगी ना आपका, हाँ पानी से प्राप्त होती है, बहुत बढ़िया चलेगा। इसीलिए तो कहते हैं कि जब आपको नींद ज्यादा आती ना तो क्या करें, पानी पी लिया करें, ठीक है, और हम भी पी लेते हैं। चलेगा, नेक्स्ट देखिएगा, पश्चिमी घाट में प्रमुख अंतर, वेस्टर्न घाट का प्रमुख अंतर, ये वाला पोर्शन, ठीक है, वेस्टर्न घाट का प्रमुख अंतर क्या है आपका, तो यहां पर पालघाट दर्रा की बात करेंगे आपका, पालघाट दर्रा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, अगला सवाल, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए उपयोग में की जाने वाली जो, यहां पर क्या पूछा गया आपका, पॉवर्टी लाइन, मेजर पॉवर्टी लाइन की बात की गई, बस छोड़ दो आपकी क्लास है, नहीं छोड़ देता मैं, बस हो गया मेरा टाइम, चलेगा। तो इसमें राइट आंसर क्या आएगा आपका, तो ध्यान रखना, एजुकेशन, शिक्षा, ठीक है ना, शिक्षा। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अगला सवाल, एमएस वर्ड में आपको न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके लिए शॉर्टकट की, एमएस वर्ड में न्यू डॉक्यूमेंट चाहिए तो उसके लिए शॉर्टकट की क्या होगी, कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना, कंट्रोल प्लस एन का प्रयोग किया जाएगा न्यू डॉक्यूमेंट के लिए। GUI देखिएगा, हम कहते हैं कि विंडोज क्या है आपका, एक यूजर फ्रेंडली, उसके जो फीचर है, सबसे ज्यादा विंडोज को यूज करते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, वो क्या है, यूजर फ्रेंडली है। तो यहां हम लोग एक अक्सर नाम सुनते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट सवाल क्या पूछा गया, वह विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है, तो ये लेक होगी आपकी, लेक बैकॉल या लेक, विद्यार्थियों देखिए, विश्व की सबसे गहरी झील बैकॉल लेक, जो कि कहां पर है, साइबेरिया एरिया में, कहां पर, रशिया के अंदर, विश्व की सबसे गहरी झील ये रशिया के अंदर हमें देखने को मिल जाती है, कहां पर मिल जाती है, रशिया के अंदर, ठीक है ना, और सबसे ऊंचाई पर टिटिकाका लेक, सबसे लवणीय झील वॉल लेक टर्की, गोभी मरुस्थल आप देखोगे तो कहां पर दिखेगा, गोभी मरुस्थल, जो एशिया कॉन्टिनेंट का क्या है, एशिया कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा मरुस्थल है गोभी डेजर्ट। तो ये गोभी मरुस्थल हमें कहां पर देखने को मिलेगा, तो यह मिलेगा विद्यार्थी आपको मंगोलिया, और किसकी सीमा पर, चीन की सीमा से लगा हुआ, ठीक है। चलो बच्चों, अभी तो दूसरी क्लास का समय हो गया, और वैसे क्योंकि एग्जाम सामने है, और जब भी एग्जाम सामने होता है ना, तो हमें, आप लोग तो कितने चिंतित होते हैं अपने लिए वो तो आप जानो, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि हमें काफी चिंता होती है। देखिए मैं सच कह रहा हूं विद्यार्थी, इसलिए आपका दीपावली में भी क्लास रखी थी, कल के लिए भी क्लास सोची थी आप लोगों के लिए, लेकिन थोड़ा मेरा DRDO में कुछ सिलेबस बच गया, तो कल का विचार यह कि DRDO में मैं थोड़ा सिलेबस को कंप्लीट करा दूं, तो कल संडे को आप लोगों की क्लास नहीं रखी है। वैसे हमने प्रैक्टिस के लिए कहा था आपको, लेकिन जो आपका टेस्ट पेपर रखेंगे वो मंडे को करा देंगे आपका, ठीक है ना, मंडे को करा देंगे आपका, कल सुबह के लिए क्लास नहीं है। कल सुबह 5 बजे से जितने भी बच्चे DRDO वाले हैं, वो आप लोग DRDO वाली
क्लास में पहुंचेगा, एप्लीकेशन पर आपकी क्लास होगी। जो भी बच्चे डीआरडीओ के कोर्स से जुड़े हुए हैं वो डीआरडीओ के कोर्स में सुबह 5 बजे से उपस्थित रहेगा और कल हम लोग देखेंगे बायो के कुछ टॉपिक देखेंगे, उन्हें कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम लोग कल सुबह 5 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद। चले ठीक है, बढ़िया बढ़िया बच्चा, बहुत बढ़िया। और क्लास को रिविजन देखिए, जीएस तो रिविजन देखिए, जीएस तो समंदर है और हमें इस समंदर में विद्यार्थियों तैरना भी है, डूबना भी है और तैर के पार पाना भी है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।